पिछले 3 महीनों से अकोला कोरोना की वजह से लॉकडाउन से जूझ रहा है। लॉकडाउन का असर हर छोटे बड़े व्यापारी, मजदूर, आम जनता पर पड़ा है। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए अकोला मनपा के द्वारा नीम अरोरा ने भीड़ होने की वजह से जनता बाजार, फ्रूट मंडी पर थोक विक्रेताओं के लिए 23 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिबंध लगाया है, जिसकी वजह से फ्रूट मंडी से जुड़े किसानों पर भुखमरी और आत्महत्या करने जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई है। जिले में फलों का उत्पादन करने वाले किसानों का माल खेतों में सड़ रहा है। यह किसान अकोला छोड़ दूसरे शहरों में माल नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि उसका भाड़ा बहुत ज्यादा होता है और अकोला फ्रूट मंडी 2 मई तक बंद होने की वजह से उनका माल खेतों में ही खराब हो रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अकोला फ्रूट मंडी को 2 घंटे में खोलने की अनुमति दे, अन्यथा किसान कल फलों का माल अकोला महानगर पालिका में लाकर फेंक कर आंदोलन करेंगे। यदि फिर भी इनकी मांग नहीं मानी गई तो भुखमरी का शिकार होने से बेहतर है वे आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अकोला मनपा आयुक्त इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और किसानों के लिए क्या हल निकाला जाता है। मैं आरिफ खान चांद खान अकोला होलसेल फ्रूट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने की हैसियत से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकोला फ्रूट मार्केट आयुक्त मैडम के आदेश के अनुसार 23 अप्रैल से 2 मई तक बंद का आदेश दिया गया है। और आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी भी देना ज़रूरी है मेरे को कि जो माल मार्केट में बचा हुआ था, हमने 2 दिन का वक्त लिए थे, वो 2 दिन आज पूरे मुकम्मल हो गए। अब 2 मई तक के अकोला के अंदर कोई भी शेतकरी बंधु मार्केट में माल ना लाए, मार्केट 2 मई के बाद चालू हो। या इसके अलावा कोई और जगह आपके पास नहीं है कि शेतकरियों का माल ख़राब होगा? हाँ, शेतकरियों का माल ख़राब होगा ये बात है, मगर मजबूरी हमारी भी है कि हमारे पास जो जगह हमने सभी व्यापारियों ने मिल के लिए है, वो जगह के हमने आज तक पैसे पूरे अदा नहीं करने के वजह से जो बिल्डर है, वो बिल्डर हमको उस जगह पे अभी अनुमति नहीं दे रहा लगाने की, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। गजानन बोरोपी राहणार तामसी माझ्या शेतामध्ये 5 एकर लागवड केलेली आहे मी खरबुजाची। लॉकडाऊनमुळे माझ्या मालाचं खूप नुकसान झालेलं आहे, माझा माल शेतामध्ये सडून राहिलेला आहे। अकोला मार्केट बंद असल्यामुळे माझ्या मालाची खूप नुकसान होऊन राहिली, तरी अकोल्याची मार्केट चालू करण्यात यावी ही आमची विनंती, 4 घंट्यासाठी तरी चालू करण्यात यावे, आम्ही सगळं नियमाचे पालन करून मार्केटमध्ये माल आणू, माल मार्केट चालू करण्याची कृपा करावी, नाही तर आम्ही आत्महत्या करावी लागेल आम्हाला। नाही, आमचा माल नाही गेला, आता 5 लाख रुपये माझा खर्च झालेला आहे शेतामध्ये, माल खूप सडलेला आहे, तो सडून राहिला माल, मार्केटच नसल्यामुळे माल सडून राहिला, आत्महत्या करावं लागेल आम्हाला माल न गेल्यामुळे। तर आपण बघू शकतो की शेतकऱ्यांचं जे अतोनात नुकसान होत आहे लॉकडाऊनमुळे, तरी गव्हर्नमेंटनी काहीतरी आपले धोरणावर थोडंसं नियंत्रण करून शेतकऱ्याचा जो माल आहे तो त्याची विक्रीची काहीतरी मुभा त्या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांना जी मुलाबाळासारखं सांभाळलेले जे त्यांचे ए आहेत, आज शेतकऱ्यांचं जे नुकसान होत आहे ते भरपूर प्रमाणात आहे। आज पिकवलेला या शेताला लागलेला संपूर्ण खर्च जर असंच लॉकडाऊन राहिलं तर शेतकऱ्यांना या मालामधून त्याचा खर्चसुद्धा निघणार नाही। आणि आपण बघू शकता की किती या खरबूज याची किती अतोनात नुकसानी होत आहे, माल पूर्ण तोडीवर आला, काढणीवर आला, आणि आज त्या मालाचा मार्केट त्याला नाही आहे। तरी गव्हर्नमेंटनी नक्कीच शेतकऱ्यांसाठी मार्केट काही वेळासाठी, काही 2 घंट्यासाठी किंवा 4 घंट्यासाठी तरी मार्केट आपल्याला शेतकऱ्यांना अकोला मार्केट, जे आमचं अकोला मार्केट आहे जवळचं, त्या मार्केटसाठी नक्कीच चालू करण्यात यावं, हीच शासनाला नम्र विनंती। हे बघू शकता शेतकऱ्याचा माल गेल्या नाहीमुळे त्याला शेतातच हा माल फेकून द्यावा लागून राहिला आहे, तरी याची लवकरात लवकर दखल घेण्यात यावी।